हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड और गाइस जो लोग सिमुलेशन गेम्स के फ़ैन हैं और बिलखसूस जिन लोगों को बस ड्राइविंग गेम्स पसंद हैं जो अक्सर आप में से बहुत से लोग जो है वो मुझसे पूछते भी रहते हैं यार भैया कोई बस वाला मूड ले आओ या फिर कोई ऐसी गेम बताओ जिसमें हम लोग कोई बस चला सकें तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ एक बहुत ही बिग न्यूज़ है जिसमें जो है वो आप लोगों को जो है वो एक बहुत ही अच्छे पब्लिशर की तरफ से जो कि बहुत ही फेमस बस सिमुलेटर सीरीज़ बनाते हैं उनकी तरफ से एक गेम जो है वो अनाउंस हुई है बस सिमुलेटर सिटी राइड ठीक है ये गेम का नाम है न्यू गेम है एंड्रॉयड और आईओएस के लिए इस साल रिलीज़ होने वाली है सो बहुत ही इनक्रेडिबल न्यूज़ है मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी हुई इस न्यूज़ को पढ़ के इसका जो है वो रिलीज़ ट्रेलर देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि चलो यार अच्छा है पी के लिए तो सभी एक से बढ़ एक सिमुलेशन की गेम्स आती हैं लेकिन एंड्रॉयड और आई के लिए कोई गेम्स नहीं इस तरह की आती जो कुछ लोग बना रहे हैं वो भी बड़े छोटे मोटे से डेवलपर्स हैं और वो इतने ज़्यादा कोई अच्छे लेवल की गेम्स जो है वो नहीं बन रही होती तो गैस पहली बार एक बहुत ही बड़े ब्रांड जो है वो एस्ट्रागोन उनकी तरफ से जो है ये एक गेम रिलीज़ होने जा रहा है इस साल साल के आखिर में यानी कि सितंबर से लेके नवंबर तक आपको ये गेम जो है वो कहीं पे भी देखने को मिल सकता है रिलीज़ हो सकता है अभी एग्जैक्ट रिलीज़ डेट जो है वो कंफर्म नहीं है अगेन गेम का नाम होने वाला है बस सिमुलेटर सिटी राइड और ये याद रहे एंड्रॉयड आई और नेंटेंडो स्विच के लिए ये गेम जो है वो रिलीज़ होने जा रहा है सो so, इस गेम के ऊपर हम कुछ जो है वो बात कर लेते हैं सो so, पहली एक इस गेम की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमें बाकी एंड्रॉयड की गेम्स में इस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आती वो है इस गेम में रियल ब्रांड्स होंगे फार्मिंग सिमुलेटर के जैसे जैसे फार्मिंग सिमुलेटर में आपको जॉन डेयर मैसी फर्गसन या फिर फेंट के जैसे ब्रांड मिलते हैं जो कि रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं इसी तरह इस गेम में भी आपको मर्सिडीज बैंस सेट्रा आईवेको बी और वोलवो स्कैनिया और मैन की जो है वो बसेस देखने को मिलने वाली हैं सो स्टार्टिंग में आपको दस बसेस जो है वो मिलेंगी इस गेम में जो कि डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से होंगी जिनका अभी मैंने नाम लिया जिसमें मर्सडीज़ भैंस है सेट्रा है आईवेको है या आई वी ई स आई वी ई सी ओ भी इसको पढ़ लेते हैं मुझे नहीं एक्जैक्टली exactly पता है इसको कैसे प्रनाउंस करेंगे वोलवो स्कैन या और मैन इनकी बसेज होंगी और बाद में जो है वो अपडेट्स के थ्रू इसमें मज़ीद जो है वो बसेज़ एड की जाएंगी तो गाइज़ जो मैप है ना इस गेम का वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यूरोपियन uh, जो है वो नॉर्थन यूरोपियन इंस्पायर्ड मैप है और इस मैप का नाम जो है वो हैवन्सबर्ग होने वाला है आपको पता है कि इस तरह के नाम ही यूरोप में जो है वो चलते हैं तो इस गेम का जो मैप होगा उसका नाम जो है वो हैवंसबर्ग होने वाला है और ये यूरोपियन uh, जो है वो नॉर्थर्न यूरोपियन से इंस्पायर्ड मैप है मैप है जैसे कि मतलब पहाड़ वगैरह होंगे उसमें कलरफुल जो है वो ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी सो so, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो ये मैप होने वाला है सो so, इसमें आपको जो है वो आ, कहीं कहीं पे ओल्ड टाउन कंट्री साइड या इस तरह की बिल्डिंग्स वग़ैरह कैचिंग बिल्डिंग जो है वो अभी आपको देखने को मिलेगी सो so, गईज ये मतलब कि अगेन मैं आपको बता दूं इसमें जो है वो आप एक कंपनी को लीड करोगे इसका गेम प्ले कैसे होने वाला है जैसे हम यूरो ट्रक सिमलेटर खेलेंगे अगर जिनको नहीं पता यूरो ट्रक सिमलेटर तो इसमें गेम में आप एक अपनी कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपको एक स्टार्टिंग बस मिलेगी सो तो उससे आप आ, जो है वो अर्न करते करते उसको आप पहले अपग्रेड कर लोगे फिर अपग्रेडेशन के बाद जब आपके पास इनफ रिसोर्स होगी तो आप बड़ी बसेज जो है वो ख़रीदना शुरू कर देंगे सो तो इस तरह आपकी कंपनी जो है वो एक्सपेंड होती जाएगी सो ये इसका जो है वो स्टोरी मोड या गेम प्ले टाइप है है सो अगेन ये गेम जो है वो फाल 2022 में रिलीज होने वाली है सो so, फाल का मतलब होता है कि साल के कुछ ऐसे जिसमें मतलब के आटम का जो सीज़न होता है उन, उन महीनों में ये कहीं पे भी लॉन्च हो सकती है सो so, अभी एग्जैक्ट डेट जो है वो डिवेलपर्स ने नहीं बताई सो फॉल ट्वेंटी ट्वेंटी में आपके सेप्टर अक्टूबर और नवम्बर ये मंथ जो है वो आते हैं फॉल के अंदर सो इसमें मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से ये सप्टेम्बर या अक्टूबर के बीच बीच में कहीं पे ये गेम जो है वो लॉन्च होती हुई मुझे नज़र आ रही है सो so, गेम जो है वो आ, कोई इतना अच्छे से मतलब कि गेम प्ले तो नहीं दिखाया गया थोड़े थोड़े जो है वो शॉर्ट क्लिप्स हैं सो so, उनमें से अगर हम देखें तो गेम मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग लगी है आप लोग क्या सोचते हो आपको ये गेम जो है वो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आप इस गेम का वेट कर रहे हो और क्या लगता है आपको ये गेम फ्री होने वाला है या पेड होने वाला है और आप क्या सोचते हो इस गेम को फ्री होना चाहिए या पेड होना चाहिए मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में और इस तरह की वीडियो मज़ीदी देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा बाय बाय